नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी मेरे चैनल रेडियो सुगम स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो देखा है, इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ जाएगी, कैन मास्टर और एक ग्रीन स्क्रीन वाले मोबाइल की वीडियो की। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से अपने मोबाइल के कैन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस के आइकन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से 96:9 का एक्सपेक्ट रेशियो ले लेना है। इतना करने के बाद मीडिया का ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हमको एक बैकग्राउंड ले लेना है। ओके करेंगे आप बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से हमें बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। स्टडी पोजेस को लाकर लेयर के ऑप्शन पे आएंगे, फिर मीडिया के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से अपने वीडियो को ले लेंगे, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को, और यहाँ से इसको स्क्रीन पर आएंगे और स्क्रीन को बड़ा करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस वीडियो को एक बार क्लिक करेंगे मोबाइल वाले को, क्रोमा की के ऑप्शन पर आएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। की कलर को यहाँ से ग्रीन कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से अपने इस ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से हटा लेना है। तो यहाँ से परसेंटेज को आगे पीछे कर देना है। इतना करने के बाद आईना पर से परसेंटेज को आगे पीछे करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं, स्टार्टिंग पोजिशन में ला देते हैं सॉरी, और यहाँ से ओके करना है। फिर लेयर का ऑप्शन है, अपने मीडिया के ऑप्शन पर आ जाना है और फिर यहाँ से अपने इमेज को ले लेना है, जिस इमेज को हम मोबाइल पर सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपने एक इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को कुछ इस तरह से खींच के नीचे की तरफ लाएंगे मोबाइल पर, डिलीट का नीचे आएंगे, थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे थ्री डॉट के ऊपर और सेंड टू बैक कर देंगे इमेज को। और इस इमेज को कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा वीडियो है इस तरह से इतना बड़ा कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाते हैं और यहाँ से अपने इस वीडियो इमेज को कुछ इस तरह से स्लाइड करेंगे आगे की तरफ। तो मैं यहाँ से करता हूँ और जहाँ से इमेज मोबाइल पर से इमेज हट रहा है तो वहाँ से हम एक बार क्लिक कर देना है इमेज को। तो यहाँ से हट रहा है तो यहाँ से इमेज को एक बार क्लिक करना है। चाबी के ऑप्शन पे आना है, प्लस का एक डॉट दे देना है, फिर इस इमेज को इस तरह से आगे पीछे करके जूम करके जैसे हो वैसे सेट कर देना है ठीक से। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों फिर अपने इस इमेज को आगे की तरफ स्लाइड करते हैं, प्लस का एक अपने डॉट दे देते हैं और इस इमेज को यहाँ ले जाके सेट कर देते हैं। फिर आगे की तरफ आते हैं तो देख लेते हैं कहाँ सेट होना है। तो इधर देख लेते हैं तो यहाँ पे सेट कर देते हैं नीचे की तरफ, जूम इमेज को इस तरह से जूम कर देना है। इतना करने के बाद है मेरा वीडियो जो इतना कंप्लीट हो चुका है। फिर एक बार हम लेयर के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से आकाश के साइड पर हम मोबाइल फेंक रहे हैं, फिर मीडिया के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम एक इमेज को ले लेंगे, जो पहले इमेज लिए थे वही वाला इमेज ले लेंगे और इस इमेज को आकाश की तरफ सेट कर देंगे, आकाश के ऊपर इस तरह से। इतना सेट करने के बाद इतना सेट कर देते हैं, एक दो सेकंडों के लिए रखना है इस इमेज को। कैंची के ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, दो सेकंडों का ही रखना है दोस्तों इस वाले इमेज को। कैंची के ऑप्शन पे आकर ट्रिम टू राइट और प्ले ऐड कर देते हैं, ओके करना है और इस इमेज को क्लिक करके थ्री डॉट के ऑप्शन पर आकर सेंड टू बैक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने इस वीडियो को थोड़ा देख लेते हैं, ऊपर से आ रहा है तो इस इमेज को क्लिक करना है। पहले चाबी के ऑप्शन पर आएंगे, डॉट दे देंगे और पहले वाले इमेज को कुछ स्क्रीन पर इस तरह से सेट कर देंगे, नीचे की तरफ खींच देंगे, जैसे कि मेरा आईना नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर नीचे की तरफ इस इमेज को डॉट दे देना है और इस तरह से खींच देना है। फिर आगे की तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, तो प्लस के ऊपर एक बार डॉट दे देना है यहाँ से आगे की तरफ और इस इमेज को नीचे की तरफ इस तरह से आईना पर अच्छे से सेट कर देना है। आगे तरफ देख लेते हैं तो यहाँ से डॉट देना है, प्लस का एक और इमेज को इस तरह से सेट करना है आईना पर अच्छे से। और यहाँ इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, फिर से एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं, इतना तो ठीक हो चुका है। अब यहीं समय प्लस का एक बार डॉट दे देना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ब्लैक वाला बैकग्राउंड, तो इस पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कैंची का ऑप्शन पर आ जाना है, ट्रिम टू राइट और प्लेट करके इस काट के ओके करना है। ओके करने के बाद एक बार चला के देख लेते हैं तो मेरा वीडियो जो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुका है, तो इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ से देख लेते हैं पूरा। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ शेयर के ऑप्शन पर आ जाना है और यहीं से हमको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने इस वीडियो को। तो दो तीन सेकेंड लगेगा दोस्तों इस वीडियो के एक्सपोर्ट होने में, और इतना होने के बाद एक्सपोर्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ से ओके होने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे ऊपर के साइड में। ओपन करने के बाद यहाँ से वीडियो प्लेयर में आ जाते हैं और अपने इस वीडियो को एक बार
चला के देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये मेरा वीडियो जो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।